हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह आपको दिख रहा होगा कि मैं रेडी होकर निकल पड़ा हूँ। ऑब्वियसली आज संडे है तो संडे राइड के लिए जाना ही है। और आज हम लोग जा रहे हैं साली वाटर रिजर्वर, जो कि गांगदोआ या फिर कुछ है जगह का नाम, वहीं पे पड़ता है। अभी इससे पहले मैंने कभी वहाँ पे मतलब कुछ ट्रिप वगैरह मारा नहीं और कुछ नहीं किया, तो मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पे है, कितना किलोमीटर है। बस गूगल मैप को फॉलो करेंगे और चलेंगे वहीं पे। एंड सुबह का सीन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दुर्गापुर बैरेज में खड़ा हूँ, यहीं से मैं अपना ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये देखो बड़े बड़े लोग भाई अपने साथ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब रास्ते में आपको मिलते हैं सीधा और पहुँच कर आपको दिखाते हैं कैसे जगह है। तो ऑलराइट, अभी दुर्गापुर बैरेज से अपनी सवारी चली टूवर्ड्स साली वाटर रिजर्वर। एंड यहाँ पे अभी तो फिलहाल इधर से 48 किलोमीटर्स का रास्ता है अगर गूगल मैप की माने तो, पर थोड़ा इधर उधर का हिसाब हो जाता है। पूरा अप्रॉक्सीमेट आपको 48 किलोमीटर्स नहीं जाना है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। एंड ये राइट साइड में आपको दिख रहा है नाव चलते हुए, बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में, क्योंकि हमें दुर्गापुर वालों को बहुत ही कम दिखता है। जब भी बैरेज साइड ही जाते हैं तभी दिखता है, या फिर किसी नदी के आसपास हमें घूमने जाना होता है फिर दिखता है। तो चलो इसी चक्कर में हम लोग बैरेज के ऊपर आ चुके हैं। अभी ये रास्ता आपको बहुत ज़्यादा दिखा होगा मेरे चैनल पे, क्योंकि मैक्सिमम मैंने बांकुड़ा कवर किया है, बांकुड़ा मेदिनीपुर ये वो रास्ता ही गया हूँ मैं, तो बैरेज क्रॉस करने के मेरे को जाना पड़ता है, तो मैक्सिमम दिखेगा आपको ये सब। एंड इधर से क्या करना है, बस आपको ये रास्ता ख़त्म करके राइट ऐसा दिखेगा एक, इसमें सीधा लेना है। एंड ये रास्ता जिधर जिधर आपको लेके जाएगा उधर ही फॉलो करते हुए आपको जाना है। बस सिंपल है रास्ता, बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। एंड ये राइट साइड में आपको दिख रहा है कि मछुआरे भाई जो हैं वो तो मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े हैं सुबह सुबह। एंड यार इस रास्ते में ना आपको थोड़ा स्लो चलाना है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे खड्डे वगैरह हैं एंड सिंगल लेन रास्ता है, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा स्पीडिंग नहीं करना है। और हम लोग भी बड़े आराम से चल रहे हैं, पर अचानक रास्ते में कुछ भीड़ दिख रहा है हमें। अरे भाई यहाँ पे तो सांप देखने के लिए भीड़ हो रहा है भाई। चलो कोई ना, निकलते हैं इधर से सीधा, क्योंकि अपने नसीब का कुछ भरोसा है नहीं, सांप को कहीं नहीं आना होगा, मेरे कंधे पे आकर लटक जाएगा। तो इधर से सीधा निकलते हैं भाई, मेरे को रिस्क लेना ही नहीं ये सब रास्ते में, तो सीधा अपना डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं हम लोग। एंड बाकी का रास्ता आप थोड़ा एंजॉय करो थोड़े म्यूजिक के साथ। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेजिया। एंड ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है मेजिया का फेमस सीमेंट फैक्ट्री। इस एरिया में आपको थोड़ा पॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो थोड़ा होता है, थोड़ा एडजस्ट करना होता है और क्या। और अभी इधर हमें जाना है इसी रास्ते पे, और इधर से लगभग 3-4 किलोमीटर ही रास्ता बाकी है, बाकी हम लोग पहुंच ही चुके हैं ऑलमोस्ट अपने जगह पे जहाँ पे हमें जाना है। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। एंड भाई एंट्री लेके मुझे समझ में आ रहा है बहुत ही शांत एरिया है, एंड देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बड़ा कुछ तो है नहीं, मतलब एकदम आप देखने लायक बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा वैसा तो भाई आपको सीन नहीं है, पर नॉर्मली अगर आपको घर से निकल के थोड़ी देर दूर कहीं पर आके पिकनिक वगैरह करना है तो उस हिसाब से ये जगह बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि देख सकते हो सामने नदी कितना खूबसूरत है। एंड बाकी जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल बढ़िया से,
जितना मैं एक्सप्लोर कर पाया मैं उतना ही दिखाऊंगा आपको। मतलब हो जाता है ना कभी, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो जितना एक्सप्लोर करते हैं उतना ही आपको दिखाएंगे, बहुत बढ़िया से दिखाएंगे। और क्या आपको क्या करना है, वीडियो अगर अभी तक देख लिया है तो यार एक लाइक ठोक दो, बाकी आपका भाई संभाल लेगा। और क्या है, ऑलराइट जी, तो 48 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग आ चुके हैं शाली वाटर रिजर्वर। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो क्या सीन है, क्या लोकेशन है। मतलब भाई 48 किलोमीटर तो भाई वसूल है इधर आके। और मैं अपने पीछे भी दिखाता हूँ कि मतलब कैमरे के पीछे कौन सा जगह है, कैसा लग रहा है यहाँ पे दिखने में। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, कितना खूबसूरत जगह है भाई। और वहाँ पे अपना भाई देखिए ऊपर उठ के अपना वीडियोग्राफी करने में लग गया है। एंड ये सामने देखिए क्या ही खूबसूरत नज़ारा है इधर भाई। मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं घर से, आप एक लिमिटेड डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। एंड बाकी चलो थोड़ा इधर उधर करके देखते हैं जगह में क्या रखा है क्या नहीं। अभी आपको क्या दिख रहा है पता है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए उल्टी खोपड़ी का इंसान। जो भाई उल्टी खोपड़ी का है उसको पूरा दुनिया ही उल्टा दिखेगा, तो यार क्या ही करना है। सो ऑलराइट, अभी घूमने फिरने का जो कार्यक्रम था यहीं तक का था, हो चुका है सब घूमना फिरना बढ़िया से। तो कैसा लगा मालिक? बढ़िया। व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस बहुत सालों बाद आने के बाद, जो बचपन की यादें जो ताज़ा हुई हैं यहाँ पे, उसका क्या बोलना है आपको? मेमोरेबल। मेमोरेबल, ओके। तो चलो बड़े बड़े लोगों को लेके वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि इनको घर पे ही छोड़ना है और मुझे भी घर जाना है। और संडे है तो भाई फ्री बिल्कुल नहीं है, काम बहुत सारा है, करना है, क्या कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। क्योंकि देखो बड़े लोगों को लाना पड़ता है, तो भाई 1-2 लाख रुपये उनको एडवांस दे के फिर बुकिंग करना पड़ता है, फिर आते हैं चैनल पर। तो कोई नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड सब सेफ रहना, बढ़िया से रहना, और वेदर चेंज हो रहा है तो ठंडा वंडा मत लगाना भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो बच्चों, इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है, इन भैया जैसा आपको बनना नहीं है। कभी भी किसी के पीछे बैठ के घूमने जाओ तो हेलमेट जरूर पहना करो।